जो सामने आपको कुंदू दिखाई दे रहा है ना, ये बनता है इस वाली मक्की का। तो यहाँ पर ना ये कुंदू बनाया जाता है और हमारे गांव में ना धानी बनाई जाती है। तो गाइस देख सकते हैं वो वाला जहाँ पर मैं उंगली कर रही हूँ वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वहीं पर इस साइड है थोड़ी दी, देखो 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 यहाँ पर है, तो वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है दीदी और सामने ही उनका वहाँ पर घर है। तो यहाँ से देख सकते हैं इनको काफ़ी नज़दीक रोड है, देखना पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर ना ज़्यादातर प्लेन एरिया है, यहाँ पर ना पहाड़ी। उस वाली साइड देख सकते हैं ये आ गया अशर वाला एरिया, जहाँ पर कि कल 4 मल्टेंट मारे गए, और देख सकते हैं ये वाला साइड, और यहाँ पर देख सकते हैं अनारदाने ना काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। हाय गाइज, कैसे आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइज सुबह से ना काफ़ी तेज़ की बारिश लग रही थी और अभी ना दिन के लगभग 3 बज चुके हैं और अभी भी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स अभी ना मैं और दीदी जा रहे हैं इधर ही ऊपर थोड़ा सा चक्कर मारने, तो जहाँ पर हम जा रहे हैं ना वहाँ का नाम है पिन कोड, तो वहीं पर जा रहे हैं। वहाँ से ना पूरे कठियाड़ा का व्यू दिखाई देता है, तो सफर में आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं गाइस ये वाला रास्ता जाता है ऊपर की तरफ के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं खेतों में ना काफी छोटी छोटी मक्की लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर ना बारिश नहीं लगी इस साल, पहले लगी थी जिस दिन मैं आई थी और आज भी लगी, तो मैंने तो आज चला जाना था, बट सुबह ना इतनी ज्यादा तेज की बारिश लगने लगी कि मैं जा ही नहीं पाई। और वहाँ पर नाशपाती के पेड़ पर देख सकते हैं काफी सारे नाशपाती लगे हुए हैं, देखो छोटी छोटी मक्की है, और इस मक्की पे ना अभी मक्की भी नहीं लगी है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तो बिल्कुल छोटी छोटी मक्की, जो कि आज ही 10-15 दिनों में इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई होगी, और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी मक्कियाँ भी बन गई है, और ऊपर ऊपर देख सकते हैं काफी बड़ा गांव है यहाँ कुठियाड़ा का, और देख सकते हैं यहाँ पर ना मिर्ची के पेड़ भी लगाए हुए हैं, और साथ में देख सकते हैं एक एक मक्कियों का डाल भी लगाया गया है बीच में। और दीदी 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 ना आगे आगे चल रही है, और यहाँ पर देख सकते हैं किसी के खेत में काफी गजब के फूल लगे हुए हैं, यहाँ पर ना फूल भी बेचते हैं, जैसे कि मक्की बेचते हैं, जैसे कि टमाटो की खेती की हुई है आगे, वैसे ही यहाँ पर हर एक चीज़ बिकती है। गाइस सुबह ना काफ़ी तेज़ की बारिश लग रही थी और अभी ना देख सकते हैं दिन के 3 ही बज चुके हैं, और अभी ना यहाँ पर धूप भी नहीं गई है, यहाँ पर ना लगभग 6-7 बजे तक धूप जाती है, और अभी ना चलते वक्त काफ़ी तेज़ की गर्मी लग रही है। ऐसे बात की जाए तो हमारे गांव से ना यहाँ पर काफ़ी तेज़ की गर्मी है, हमारे गांव में इतनी गर्मी नहीं है जैसे कि यहाँ पर है। जो सामने आपको कुंदू दिखाई दे रहा है ना, ये बनता है इस वाली मक्की का। तो यहाँ पर ना ये कुंदू बनाया जाता है और हमारे गांव में ना धानी बनाई जाती है, और यहाँ पर देखिए अलग टाइप का बनाया जाता है, और यहाँ पर देख सकते हैं गनी मक्कियों में कुंदू लगाया हुआ है। तो गाइस अभी ना हम पिन कोड की चोटी पर भी आ गए हैं, और यहाँ पर ना जो सामने का नज़ारा है ना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ से ना सब जगह दिखाई देती हैं साफ और क्लियर। अभी ना थोड़ी थोड़ी धूप भी लगी हुई है, व्यू ना काफ़ी गजब का दिखाई दे रहा है। तो मैं और दीदी आई थी, तो एक दीदी मेरी नीचे है, वो ना वहाँ से हमें देख रही है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। वो ना अभी मैंने उसको फ़ोन किया, हम ऊपर पहुँच गए हैं, जब वो रही थी जब आप ऊपर पहुँच गए तब मुझे फ़ोन करना, क्योंकि दीदी नहीं आई थी, दीदी की जिठानी के साथ आई थी मैं ऊपर, मैं और दीदी आई थी ऊपर घूमने, और यहाँ से ना दीदी सामने ही दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं वो वाला जहाँ पर मैं उंगली कर रही हूँ वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वहीं पर इस साइड है थोड़ी दीदी, देखो 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 यहाँ पर है दीदी, गोल्डन कलर की है, तो वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर है दीदी और सामने ही उनका वहाँ पर घर है। तो यहाँ से देख सकते हैं इनको काफ़ी नज़दीक रोड है, देखना वो वाला रास्ता आता है और इधर है रोड, तो कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर इनको रोड आ जाएगी स्कूल नहीं हॉस्पिटल के नीचे। तो दी देख सकते हैं आगे पीछे घूम रही है, मेरे को तो सामने दिखाई दे रही है पर फोन के कैमरे में आप क्या पता कैसी आएगी।
और देख सकते हैं काफ़ी गज़ब का कुठियाड़ा का व्यू दिखाई दे रहा है। और जैसे ना हमारे वहाँ पर पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर ना ज़्यादातर प्लेन एरिया है, यहाँ पर ना पहाड़ियाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। उस साइड देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं, वो शायद काश्तीगढ़ आ गया। और उस वाली साइड देख सकते हैं ये आ गया अशर वाला एरिया, जहाँ पर कि कल 4 मिलिटेंट मारे गए। और देख सकते हैं ये वाला साइड आ गया बाड़ी, जो कि ऊपर पहाड़ों की चोटियों पर दिखाई दे रही है वहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं ये आ गया काश्तीगढ़, और वहाँ पर आ गया कुछ यहाँ पर शायद होगा वो वाला एरिया, मुझे नहीं पता कौन सा है। और जो देख सकते हैं ये जो नीचे रोड जाता है ना, यहाँ से ये जाता है नीचे की तरफ, और नीचे तक वहाँ पर है कोड़ा पानी। कोड़ा पानी से इधर वाली साइड जो है, ये वाला रोड जो आपको दिखाई देता है ना, ये जाता है सीधा डोडा के लिए, और वहाँ नीचे का नाम है रगी नाला, जहाँ पर कि मैंने एक वीडियो इंस्टा पर डाली थी। मैंने पूछा कि यहाँ का नाम बताओ, कुछ लोगों ने ना बिल्कुल राइट आंसर दिया था। और देख सकते हैं वहाँ के नज़ारे भी काफ़ी गजब के दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पर ना रोड शायद नींव निकली है, और यहाँ का नाम है हम्बल, जहाँ पर ना हम्बल है वहाँ पर ना हमारी रिश्तेदारी भी है। और वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर पता नहीं कौन सा एरिया है, पर काफ़ी गजब का नज़ारा यहाँ से दिखाई देता है। और जो ये वाला रोड इस वाले रोड के साथ है ना, कुठियारा वाला रोड के साथ, ये जाता है ऊपर बुलंदपुर के लिए। बुलंदपुर ना काफ़ी गजब की प्लेस है, मैं तो नहीं गई हूँ पर मैंने सुना है। और इससे ऊपर देख सकते हैं, इससे ऊपर का नाम है कुड़गई, जो कि काफ़ी ऊपर है। और देख सकते हैं यहाँ पर ना लोगों की ज़मीन ना काफ़ी गजब की है, और यहाँ पर ना देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मक्की लगी हुई है, यहाँ पर ना उतनी मक्की नहीं सूखी है। और यहाँ पर देख सकते हैं एक ही बाड़ी ना काफ़ी लंबी और चौड़ी, मतलब हद से ज़्यादा लंबी बड़ी होती है। हमारे तो वहाँ घर में छोटी छोटी बाड़ियाँ ही होती हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी गजब की ज़मीन है। और इस ज़मीन पे ना हर एक चीज़ बनती है, यहाँ पर ना ज़्यादातर लोग इसी से व्यापार करते हैं। और दीदी ना वहाँ पर अभी बैठी हुई है। कुछ टाइम बैठने के बाद ना अभी हम वापस घर को जा रहे हैं, तो यहाँ से ना बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे थे। कुछ दीदी ने फोटो लिए मेरे, और कुछ दो तीन फोटो मैंने दीदी के लिए, तो अभी दीदी खींच रही है सेल्फी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ना आकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ से अगर नीचे की तरफ देखोगे ना, तो इतना डेंजरस एरिया है ना, जो अगर यहाँ से गिर गया वो कभी बच ही नहीं सकता है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से देख सकते हैं काफी खतरनाक एरिया है। और वहां पर ना दीदी अभी वहीं पर बैठी है, दीदी सोच रही है मैं कहीं गिर ना जाऊं, तभी वहीं से कब से ये वहीं पर बैठी हुई है। दीदी ने मुझे बोला था कि इस जगह पर नहीं जाना, बट मैं चला गई हूँ। तो देख सकते हैं अभी धूप भी जा चुकी है, और सामने के नज़ारे काफी गजब के दिखाई दे रहे हैं। तो डोडा वाली साइड रोड जाता है ये वाला। फ्रेंड्स जिस रास्ते से हम आए थे ना, उस रास्ते हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे दूसरे वाले रास्ते से, क्योंकि वो थोड़ा इजी लगता हमें। वहाँ से ना जिस वाला रास्ते हम आए थे, वहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा कांटे थे। और अभी ना हम जा रहे हैं मक्खियों वाले रास्ते से, लोगों की मक्खी यहाँ पर लगी हुई। और यहाँ पर देख सकते हैं अनार दाने ना काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। चलो जिस वाले रास्ते से हम अभी आए ना, वो रास्ता ना बहुत कठिन था, बड़ा मुश्किल से था, और मेरे को ना पाँव में थोड़ा सा कांटा भी चुभ गया। आपको भी चुभा दीदी? आपको भी चुभा कांटा दीदी को आते वक्त और मुझे जाते वक्त? और यहाँ पर की जो मक्खी है ना, देख सकते हैं मेरे से भी छोटी छोटी मक्खी है। जो हमारे घर में मक्खी है ना, वो काफ़ी गजब की मक्खी है, और काफ़ी लंबी लंबी है, 7-8 फुट होगी लगभग। और लोगों के खेतों में देख सकते हैं काफ़ी अच्छे टमाटर लगे हुए हैं, और साथ में यहाँ पर मक्खी छोटी छोटी देख सकते हैं। यहाँ पर ना
खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं फलियों की खेती की गई है, बीन्स की। रास्ता ढूंढने के बाद अभी हमें लगभग 5 मिनट लग गए, और वहाँ से ना दीदी ने थोड़ा सा घास लेना है, तो वहाँ पर भी हमें लग जाएंगे लगभग 5 मिनट। तो 10 मिनट के हम अंदर ही अंदर हम घर भी पहुँच जाएंगे। गाइस, ये आपको जो बाड़ी दिखाई दे रही है ना, ये दीदी लोगों की है। ये ना काफी बड़ी और लंबी बाड़ी है, देख सकते हैं। जहाँ से आपको ये मक्की स्टार्ट दिखाई दे रही है ना, स्टार्ट हुई वहाँ से इन लोगों की बाड़ियाँ शुरू होती हैं। और देख सकते हैं काफी लंबी बाड़ी है, वो वहाँ तक जहाँ पर मक्की खत्म होती है वहाँ तक। और अभी ना यहाँ पर दीदी लगी हुई है घास काटने को, वो देख सकते हैं। इनके बाड़ी में भी काफ़ी छोटी छोटी मक्की हैं।